The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Skin infections. क्या होता है आपके skin? यानी चमड़ी के infection और उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको. चमड़ी यानी स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपके शरीर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे ज़्यादा फंक्शन है उसका आपके प्रोटेक्शन में. इन्नेट इम्यूनिटी का बैरियर फंक्शन, सीधा सीधा दीवार है आपके शरीर के ऑर्गन्स और बाहरी कीटाणुओं के सामने. लेकिन इस दीवार के ऊपर भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, समटाइम्स इटसेल्फ इसको इन्फेक्शन लग जाता है. ऐसे में जर्म्स, वाइड वैरायटी ऑफ जर्म्स, माइल्ड से मॉडरेट से सीरियस इन्फेक्शंस कर सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर. आपके स्किन के ऊपर कई बार ओवर द काउंटर मेडिकेशन काम आ जाएगी, कई बार होम रेमेडी काम आ जाएगी, कईयों में आपको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी. आइए बात करते हैं स्किन इन्फेक्शंस के बारे में कि आपको कौन कौन से प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं. नंबर वन एंड सबसे ज़्यादा कॉमन, पहले ओवरऑल आप लोगों को एक जनरलाइज्ड आइडिया दे दें, स्किन के ऊपर लगने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को स्किन इन्फेक्शन बोलेंगे. ऐसे में वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, पैरासाइट यानी कीड़े मकौड़े भी हो सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सुनने के लिए आप लोगों को जिगरा चाहिए, देखने के लिए भैया सच में जिगरा चाहिए. सो देखना का जरूरत नहीं है, सुन लीजिए. हाँ, इसलिए हम वीडियो वीडियो नहीं बता रहे हैं. सो पहला और सबसे कॉमन है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. सबको हुआ है, आज नहीं तो कल होगा और होता रहेगा. मतलब कि छोटे छोटे लाल रंग के बम्प आ जाएँ, छोटे मोटे पस आ जाएँ, थोड़ा ना आए, सिंपल सिंपल कभी खुद ठीक हो जाए, कभी छोटे मोटे ऊपर से क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम लगा के या फिर दवा खा के ठीक हो जाए. उसमें आ जाते हैं आपके इम्पटीगो, बॉयल्स, बाल तोड़, एर आपके हो गया एक्ने, ये सारे सिंपल वाले हैं. सीरियस वाले में अगर इन्फेक्शन चमड़ी में फैल जाए उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस. अगर ऐसे ही कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया हो जो चमड़ी खा जाए, जैसे लेप्रसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रसी, लेप्रसी कोड जो पहले ज़माने में ज़्यादा था, अब ना के बराबर हो गया है. और ये हो गए बैक्टीरियल. फिर बहुत प्रकार के वायरस है भैया दुनिया में. वायरसेस कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस और ये भी माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हो सकते हैं. इसमें सुना है आपने चिकन पॉक्स वायरस है, शिंगल्स, हर्पी जोस्टर माता आती है जो वायरस है, ठीक है, मोलस्कम कंटेजियस, मीजल्स वायरस है, और वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स या बाहर के वॉट्स या वॉट्स, ये भी वायरस है. सो ये वायरसेस आपके चमड़ी के ऊपर अजीबोगरीब से ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि कभी चिकन पॉक्स, कभी हर्पीज, कभी वाट, कभी वॉट्स, कभी मीजल्स, ऐसे वायरस की वजह से हो सकते हैं. तो वायरसेस आपके चमड़ी पे इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं. तो भैया फंगस काहे पीछे रहेगा, फंगस भी कहता है हम भी आए, है कि नहीं. सो फंगस भैया जो है आपके जहाँ जहाँ पर आपके बॉडी में मॉइस्चर इकट्ठा होगा वहाँ वहाँ फंगस आएगा, सिंपल. सो जहाँ जहाँ मॉइस्चर वहाँ वहाँ फंगस, जैसे आर्मपिट में और पैरों के जो अंगूठे हैं उंगलियों के बीच में, है ना, या फिर बगल में अंदर नीचे अंडरवेयर के पास, वहाँ पर जहाँ पे मॉइस्चर, जहाँ पे पसीना इकट्ठा होगा वहाँ फंगस आएगा. फंगल इन्फेक्शन जो है याद रखिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, लेकिन फैल सकते हैं. कुछ नॉन कंटेजियस होते हैं, कुछ कंटेजियस होते हैं. इसमें पैरों में हुआ तो एथलीट्स फुट बोलते हैं, रिंग गोल गोल हुआ तो रिंग वर्म, नाखून में हुआ तो नेल फंगस, मुंह के अंदर हुआ तो ओरल थ्रश, डाइपर वाले एरिया में हुआ तो डाइपर रैश, यीस्ट इन्फेक्शन है. तो ऐसे ऐसे टाइप में फंगल इन्फेक्शन होते हैं. कईयों को सालों साल रखे ख्याल, ऐसे वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चलने वाले. ऐसे में फिर ओरल एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं. नाखून में हुआ तो क्रीम से काम नहीं होगा,
ओरल एंटीबायोटिक लेना, ओरल एंटीफंगल लेना पड़ेगा नाखून वाले के लिए और लॉन्ग टर्म वाले केसेस के लिए, मुंह के लिए फिर अंदर कैंडिड माउथ क्रीम लगानी पड़ जाती है, माउथ पेंट लगाना पड़ जाता है, बहुत कुछ आता है। फिर बचे कीड़े मकोड़े, पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शंस। ये पैरासाइट हैं, ये आपके शरीर के ऊपर, आपके चमड़ी के ऊपर रहते हैं, आपका या तो ब्लड या ऑर्गन या उसके थ्रू जीते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, दोनों को साथ साथ जीने को लगाते हैं, लेकिन इससे कई बार आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे पहला पैरासाइट जो सबको हुआ है, सर की जूं, जी हाँ, द लाइस ऑफ द हेयर्स। सो हेयर लाइस का जो है वो अपने आप में एक पैरासाइट है। खटमल, खटमल जो आपके बेड में है, बेड बग अपने आप में एक पैरासाइट है। स्केबीज, स्केबीज एक ऐसा पैरासाइट है, छोटे छोटे कीड़े हैं जो चमड़ी के नीचे घुस जाते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं, एक से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको घर में फैल जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्केबीज पैरासाइट है। स्कूटेनियस लार्वा माइग्रांस पैरासाइट है। इस तरह से पैरासाइट के बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो पैरासाइट भी बहुत सारे, वायरस भी बहुत सारे, बैक्टीरिया भी बहुत सारे, फंगस भी बहुत सारे। अब किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये अल्टीमेटली क्या होगा? या तो स्किन टूटेगी, या वहाँ पे एक सूजन आएगी अंदर, या तो पानी जमा होगा या पस जमा होगा, या तो और अल्टीमेटली स्किन जो है हील होगी तो डार्क हो जाएगी। चाहे फंगल हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, छोटा मोटा है तो गोला गोला डार्क, पूरा फंगल हो तो पूरा का पूरा एरिया डार्क 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 डार्क। डार्क इज अ हाइपर पिगमेंटेशन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आवर बॉडी, सिंपल। सो दैट इज वेयर इट इज। अगर ये बहुत बड़े एरिया में इन्फेक्शन होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सेलुलाइटिस केसेस में सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, ब्लड के थ्रू स्किन में या स्किन के थ्रू ब्लड में इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसके चांसेस होते हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे इन्फेक्शन आपको कहीं ना कहीं आपकी गलती से होते हैं, अगर आप अपना प्रॉपर ख्याल ना रखें, हाइजीन ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ही आएगा, है ना? हवा में चलते फिरते थोड़ी है, और हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें तो दिक्कतें होती। इस पर्टिकुलर चीज के डायग्नोसिस के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो देखते ही बता देगा कि भैया ये हमने देखा हुआ है, ये जो है ये है, क्योंकि उनका रोज का काम है तो वो देख के बता देते हैं, ठीक है? और देख के बताने के बाद वो सीधा सीधा जरूरत पड़ी तो वो टेस्टिंग कर सकते हैं, स्किन के सैंपल या स्किन स्क्रैपिंग, या फिर उसके लेके वो उसके कंफर्म कर देते हैं कि भाई ये फंगस है नहीं ये वायरस है। उसके बेसिस पे ये वो आपको या तो ऊपर लगाने वाली क्रीम देते हैं, मुंह से खाने वाली गोली देते हैं, या दोनों देते हैं। उसके अलावा आपको और कुछ छोटी मोटी चीजें दी जाती हैं, और अगर सीरियस इन्फेक्शन हो तो आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। याद रखिए, किसी भी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन के ऊपर आप कोल्ड कंप्रेसेस लगा सकते हैं। कोल्ड कंप्रेसेस दिन में 3-4 बार लगाएंगे। एक एंटी हिस्टामिन कोई भी आप ले सकते हैं, अगर खुजली हो रही है, लिवोसिट्रीजीन, मोंटेलुकास, फिनोफेक्सिडीन, ऐसी दवाएं। टॉपिकल क्रीम ऑइंटमेंट लगा सकते हैं आप इचिंग और डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो याद रखिए, स्किन इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सबको होते हैं, सबको होंगे। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में कोई दिक्कत नहीं, सीरियस केसेस में डॉक्टर को दिखाना कंपलसरी है। स्किन इन्फेक्शन को पहचानना आपका काम है, नहीं पहचान में आ रहा तो डॉक्टर के पास जाइए। दिस इज ऑल अबाउट स्किन इन्फेक्शन। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। इफ इट वॉज देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी पीपल एज यू कैन इन योर सोशल मीडियाज। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे लिख दीजिए, सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त बिताया और कोशिश करी आगे शेयर करने के लिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे हजारों वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, तो कृपया उन वीडियो को का लुत्फ उठाएं और खाने पीने के साथ एक एक वीडियो रोज़ ज़रूर देखा करें। थैंक यू।